देश के अंदर कितना कुछ विकास हुआ आपको क्या लगता है 10 सालों में? देखो कोई विकास नहीं हुआ, दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम हुए हैं और देश का भाजपा ने विदेशों में चमका दिया। मैं ओमान कंट्री से आया हूँ। कहाँ से आए आप? ओमान से आया हूँ, मैं ओमान में रहता हूँ। हाँ सर, तो वहाँ भी मोदी का गुणगान है, भाजपा का गुणगान है, तो भाजपा की बार शोर आएगी, बिल्कुल शोर आएगी। क्या क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे चमका दिया भाई साहब, विदेशों में नाम चमका दिया। हाँ, विदेशों में नाम चमका दिया। मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है ना। क्या करते हो वहाँ पर आप? मैं वहाँ कंप्यूटर अपने जो कंपनी के अंदर। कितने सालों से? मैं 10 साल हो गए जी उस वहाँ से। हाँ जी, क्या आपका दिखा बदलाव वहाँ पर? वो देखो जी, इंडिया का जो है ना, इंडिया का इतना क्रेज बढ़ा है कि पहले कभी भी कांग्रेस की सरकार में नहीं बढ़ा। कैसे कि क्या देखने को मिला वहाँ पर? वहाँ भी बहुत मतलब इतना विकास हुआ है और जितने भी लड़के यंग लड़के जा रहे हैं वहाँ पर, मतलब कोई किधर जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, यूके जा रहा है, या अपने गल्फ कंट्री में बहुत जा रहे हैं, तो इस करके काफ़ी विकास हुआ है सर। विकास हुआ है आपको? विकास बहुत हुआ है, मोदी की सरकार में विकास हुआ सर, मैं ये मानता हूँ। सर विकास हुआ है 10 सालों में? बहुत विकास हुआ है। जैसे कि गरीबों के लिए मोदी साहब बहुत कुछ किए हैं, हमें 2-2.5 लाख रुपए मिले हैं घर बनवाने के लिए, गैस भी मिले हैं, शौचालय भी बनी है और नल जल के भी सुविधा है और राशन भी मिलते हैं, बहुत विकास हुआ है। तो क्या लगता है युवा हैं आप, देश के अंदर में कुछ रोजगार का मामला है? कुछ रोजगार का मामला तो बड़ा तो है, जब से मोदी आया बहुत तरक्की तो हुई है देश की। किस फील्ड में बढ़ा है? आप ट्रेन का फील्ड लगा लो, वंदे भारत निकाल दी, अभी एक ट्रेन और निकाली अमृत भारत एक और निकाल दी, जो गरीब लोग हैं जो बिहार से इधर आने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है वो उस ट्रेन में आ सकते हैं सारी सुविधा के साथ। आप उनके वॉशरूम देख लो, 5-स्टार वॉशरूम कर रखे हैं। आप एरोप्लेन्स की सर्विस देख लो, अब ट्रेन सिर्फ सर्दियों में लेट होती है, सिर्फ धुंध की वजह से। आप गर्मियों में देख लो, 15 मिनट से ऊपर लेट हुई तो मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को। साफ़ सफाई कितनी हो रही है वहाँ पर? साफ सफाई पूरी है, लेकिन जो अभी पैसेंजर ट्रेन है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है, लेकिन हाई क्लास की ट्रेन है जैसे एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, वंदे भारत, इनमें जरा सी भी वो गंदगी नहीं है। दिक्कत क्या लग रहा है आपको बीजेपी की सरकार में? दिक्कत कोई नहीं है जी, हम तो खुश हैं। ऑल इज गुड, दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहे हैं भाई? चाचा लग कह रहा है कि कुछ दिक्कत नहीं है सरकार में, सब कुछ चल रहा है। ऐसी सरकार न कभी आई है न कभी आएगी 100 साल में। ऐसी सरकार है जिसका कोई कहने को कोई शब्द नहीं है, ऐसा सब कुछ देख लिया। जवाहर मेरी 75 की एज है, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन खूब देखा है और जितने नेता प्रधानमंत्री बने हैं इसका विकल्प कोई नहीं है। मोदी तो मोदी है, मतलब किसी तरह की पब्लिक को कोई असुविधा नहीं है। बस असुविधा यह जनसंख्या ज़्यादा, इसलिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। फिर भी सबसे अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे विदेश नीति भी देख लो चाहे देश की नीति देख लो। क्या करते हैं सर आप? मेरा छोटा मोटा काम है चांदनी चौक में ही। बिजनेस के लिए कितना जो पॉलिसी बनाई है मोदी जी ने, कारगर है? हाँ बिल्कुल कारगर है जी। टैक्स का लफड़ा था पहले, मेरा बड़ा छोटा मोटा बिजनेस है, बाकी मैं हर तरह से मोदी से संतुष्ट हूँ, हर तरह मोदी के काम। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी चपरासी भी नहीं बनेगा, इसका मन तो बहुत है, इसकी माँ का ही मन। सांसद है वो, हैं सांसद है वो, कुछ भी हो सांसद, तो फिर सांसद है तो हिंदी बेल्ट है, पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा? ये अमेठी तक हार गया, ये उसी जगह चुनाव लड़ेगा आगे में जहाँ हिंदू नहीं होगा और हिंदी बेल्ट नहीं होगी। इसको पता है ना कि मेरी क्या हालत होने वाली है, ये तो चपरासी के लायक भी नहीं है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। क्या लगता है कि जो सरकार चल रही है भाजपा की देश के अंदर में, बढ़िया है? क्यों लग रहा है आप? मेरे लिए तो नहीं है। आपके लिए क्यों नहीं है? सर मेरे लिए यूँ नहीं है ना कि जो बताया जा रहा है, जो वो दावे करते हैं वो दावे सिर्फ दावे रह जाते हैं, वो बातें रह जाती हैं, वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है ऐसा। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है जी। आ जाओ दो मिनट। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है देश के अंदर में वो मतलब काम नहीं कर रही, प्रैक्टिकली काम नहीं कर रही है। सबसे बढ़िया काम कर रही है जी, हमारे हिंदुस्तान में मांगने की आदत है हमारे, हमारी कान में दर्द पैसे भी है, मतलब अब नॉन वेजिटेरियन मैंने बोल रहा हूँ कि हमारे को तकलीफ ऐसे भी है, मोदी जैसा आदमी देश को मिल नहीं सकता, इसमें मुसलमान भी खुश है, सरदार भी खुश है, सारे खुश हैं। ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे को ना कोई दोबारा जन्म कहे ना, मैं कहता हूँ
इसके जैसा आदमी इस देश को दोबारा मिल नहीं सकता। सबसे बहुत यही विचार मेरे हैं। नेहरू जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। यार वो टाइम नेहरू के कहाँ का टाइम, नेहरू के टाइम में टांगा चलता था, अब यहाँ के चलता है प्लेन। अब जमाने और की बातें करो ना यार। कांग्रेस कह रही है कि देश के साथ, देश के पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, नेहरू जी ने संभाला देश को। कांग्रेस कह रही है कि देश के पास कुछ नहीं, वो सारा कुछ उनके पास ही है, बाकी देश के पास तो कुछ है ही नहीं रखा है। उन्होंने छोड़ा नहीं, सारा कुछ उन्होंने खुद लपेटा है। ये तो मोदी आया जो सबसे निकाल रहा है। मुसलमान भी बहुत खुश है यहाँ पे, मुसलमान मेहनत करके खाता है, मुसलम ईमान वाले आदमी है यहाँ पे, मुसलमान भी ऐसा नहीं है। हमारे देश का मुसलमान भी जो है मोदी के फेवर में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब थोड़े से जो है जिनको तकलीफ है कुछ ज़्यादा, तो राम मंदिर बन रहा है क्या कहना चाहेंगे? अरे 100% सारे समर्थन करते हैं, सारे समर्थन करते हैं। धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है। कौन से धर्म की? धर्म को कहने कहीं ना एक तरफ लेके जाओ, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं। सनातन धर्म ही सनातनी है सारे, कोई इसमें है ही नहीं भेदभाव वाली तो बात नहीं है। जब हो ही सनातनी मुस्लिम तकरीबन जितने कह रहे हैं कि ना एक बार आप धर्म को अलग कर दो फिर चुनाव लड़ो। धर्म को अलग कर दो तब भी मोदी ले जाएगा, देश के लिए तो सबसे नंबर वन आदमी हो, उसको धर्म से बिल्कुल अलग कर दोगे तब भी नंबर। अच्छा एक है ना, मतलब बात करते हैं जैसे कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उनकी पकड़ बढ़िया है। समीकरण ये कह रहे हैं कि अगर लड़ते हैं आपस में, मतलब इकट्ठा होकर लड़ते हैं तो समीकरण बिगाड़ेंगे, ये खेल बिगाड़ेंगे। पता नहीं अब मुझे तो समझ नहीं इस चीज़ की। नीतीश कुमार हैं उधर, ममता बनर्जी हैं, रहने दो ना उनको, वही रहने दो। वो जातिवाद में लड़ाई करा रहे हैं, वो कभी कुछ करा रहे हैं, बस ये छोड़ दो। आप ये समझ लो कि चुनाव से पहले लड़ मरेंगे। मेरा छोटा सा मानना है कि हिंदुस्तान का के उस मोदी के लिए हर के को दुआ करनी चाहिए कि उसकी लंबी उम्र हो और देश में हमारे कायम रहे। एक क्वेश्चन आपसे, और मुसलमान बहुत मेहनती आदमी होता है, बहुत ईमानदार, खूब मेहनत करके खाता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा मैं कि विपक्ष जो मोदी जी के सामने ऑपोजिट में कौन सा नेता बढ़िया है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल जी, उधर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी? ये कान के नाम ले रहे हो यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ कुछ रहे हो यार आप, कहाँ बहन जो महलों की ईंट को उठा के तुम, जब वो नाली की कहाँ की काबिल नहीं है बाबू जी, ये बहुत पीछे हैं ये लोग, काबिल नहीं है। क्या लगता है?